प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के भाग दो का अध्ययन करेंगे, क्योंकि संविधान की विशेषताएं अनेक हैं, बहुत सारी है, इसलिए एक क्लास में इसका अध्ययन करना संभव नहीं था। इसलिए आज जो दूसरी क्लास है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है, लिखित निर्मित संविधान है। 1935 के संविधान से 1935 के अधिनियम से प्रभावित संविधान है। यहाँ एकात्मकता के लक्षणों वाली संघीय व्यवस्था है, सरकार का संसदीय स्वरूप है। इसी कड़ी में आज हम अगली विशेषता देखते हैं, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग तीन में छह मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं, अर्थात उनकी शक्ति को सीमित करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना है। नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात लागू नहीं करने पर न्यायालय का आश्रय नहीं लिया जा सकता। मिंद्रवा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। आगे जो संविधान की विशेषता है वो है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में सरदार सरवण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 2002 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार इनकी संख्या 10+1=11 है। 11वां है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। हर नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर भेदभाव रहित मतदान का अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रावधान को 1989 में लागू किया गया। 12वां है एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघात्मक है लेकिन नागरिकता एकल है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में जन्मा हो संपूर्ण देश की में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है। एकल नागरिकता के प्रावधान का उद्देश्य एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र का निर्माण करना है। 13वीं भारतीय संविधान की विशेषता है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित है। पहला, संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग। सेकंड, राज्य और केंद्र सरकारों के खातों के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। थर्ड, संघ लोक सेवा आयोग, यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। फोर्थ, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। आगे जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो है आपातकालीन प्रावधान।
आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को व्यापक आपातकालीन शक्तियां दी गई है। संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था की स्थिति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। अब तक तीन बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने में अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तीसरा, वित्तीय आपात, भारत में वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। अंतिम जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषता है वो है त्रिस्तरीय सरकार। भारत में केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार अथवा संघीय सरकार, राज्यों में राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारें होती हैं, जो गांवों में पंचायत राज तथा शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में विदित है।